जय माताजी। मित्रों, आप सर्वेनु अमारी यूट्यूब चैनल गुज्जू वार्ता एंड कथा में हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आप सौने आवनारा श्रावण मासनी अढळक शुभेच्छाओ। तो मित्रों, तमारा बधाना मगज में एक प्रश्न उद्भवतो हशे कि आ श्रावण मास में के जे शिवनो अति प्रिय मास छे, तो आ श्रावण मास में केवी रीते शिव पूजन करी शकाय के जेथी इच्छित फळनी प्राप्ति थाय। तो चालो जाणीए के शिवजीनी कई रीते पूजा करवाथी शिवजीनी कृपा मेळवी शकाय। श्रावण मासनी कोईपण तिथि अथवा दिवस अने खास करीने सोमवारे प्रातःकाळे उठीने स्नान आदि कार्यथी निवृत्त थईने त्रिदलवाळा सुंदर शुद्ध क्यांकथी न कपायेला होय तेवा कोमळ बिल्वपत्र 5, 7, 9 वगैरे संख्यामां लो। अक्षत एटले के चोखाना दाणा पण लो। सुंदर शुद्ध लोटा के कोई पात्र में जल शक्य हो तो गंगा जल लो, दूध लो। त्यारबाद पोताना सामर्थ्य अनुसार गंध धूप अगरबत्ती चंदन वगैरे लो। आ बधो सामान स्वच्छ पात्र में एकत्रित करीने शिव मंदिर में जाओ। जो शिव मंदिर न हो तो बिल्वना वृक्ष पासे जाओ। शिवलिंग ने स्वच्छ जल अने दूध थी स्नान करावो। त्यारबाद तेना उपर अक्षत चढ़ावो, पुष्प चढ़ावो अने हळदर चंदन वले शिवलिंग पर लेप करो। त्यारबाद भगवान ने धूप अर्पण करो अने ओम नमः शिवाय मंत्र बोलता बोलता बिल्ली पत्र चढ़ावो। सौथी छेल्ले पोताना पापोनी क्षमा याचना मांगो। भोळानाथ खूब ज भोळा छे, आथी तेमनी साचा मनथी पूजा करवामां आवे तो पण झड़पथी प्रसन्न थई जाय छे। कोई विशेष मंत्रोच्चार न जाणता होय तो पण सामान्य पूजन करीने पुण्य फळ प्राप्त करी शको छो। भगवान भोळानाथे स्वयं कह्युं छे कि कोईपण वेद मंत्रोना उच्चारण वगर पूरी श्रद्धाथी मने पुष्प फळ के जळ समर्पित करे छे एना माटे हूँ क्यारे अदृश्य थतो नथी अने ते भक्त पण क्यारे मारी दृष्टिथी ओझल थतो नथी। तो आप सौना माटे आवनारुं विशेष श्रावण मासनुं पर्व અઢળક શુભેચ્છાઓ અને ખુશીઓ લાવે એવી જ શુભકામનાઓ સાથે ઓમ નમઃ શિવાય।